के साथ थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे, जहां अयोध्या में वो पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। भोपाल से अयोध्या रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष है। हम सबका सौभाग्य है कि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई और आज हमें श्री रामलला के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। तो आज मोहन सरकार राम भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही है और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का एक सुनहरा मौका, 500 साल बाद जो प्रतीक्षा की जा रही थी वो अब पूरी हो जाएगी। और इसके लिए आप देखेंगे कि अयोध्या में भी भव्य तैयारियां की गई, जो एयरपोर्ट है उसके बाहर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जोरदार स्वागत की तैयारी एयरपोर्ट पर। तो रामनगरी अयोध्या में पूरे मंत्रिमंडल का स्वागत करने के लिए यहाँ की परंपरा और संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा। और आप मेरे बगल में देख सकते हैं तमाम उन लड़कियों को जो इस वक्त यहीं की परंपरा और संस्कृति में वेशभूषा में उसी तरह नजर आ रही हैं। अच्छा, आप लोग आज स्वागत करने के लिए नेताओं के लिए यहाँ पर खड़ी है, इस नृत्य को क्या कहते हैं और कैसे आप आज करेंगी? इसको लोक नृत्य कहते हैं और ये थोड़ा कथक टाइप का होता है। अच्छा, तो फूलों से और टीका लगाकर स्वागत करेंगे। एक बार थाली भी दिखाइए, क्या क्या आपकी थाली में? थाली में रोली है, फूल है और सारी चीज है। अच्छा, टीका लगाने के बाद, चंदन का टीका लगाने के बाद फूल डालकर उनका स्वागत करेंगे। हाँ, नेताओं का। हाँ, कैसा लग रहा है आपको आज नेता आएंगे आपके यहाँ? बहुत खुशी हो रही है। मध्य प्रदेश के करीब 30 नेता आएंगे आज यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरी थाली जो है फूल की थाली और फिर टीका यहाँ पर रखा हुआ है ताकि जो स्वागत है वो टीका लगाकर, कहा जाता है कि टीका लगाने के बाद जो स्वागत होती है वो यहाँ की सबसे ज्यादा अच्छी परंपरा और एक संस्कृति है जो दिखाती है सनातन धर्म के साथ साथ यहाँ के लोगों के स्वागत के लिए भी। अब कुछ ही देर का वक्त बचा है जब यहाँ पर आप तमाम नेताओं को देखेंगे, मध्य प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल को यहाँ पर देखेंगे। बस इंतजार है कि आखिर कब नेता यहां पर पधारेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ अंशिका पाठक, न्यूज 18 अयोध्या। तो आप ये देखिए कि बेसब्री से इंतजार बस अयोध्या में अब चल ही रहा है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अंशिका जुड़ गए। अंशिका, दिन बहुत ही खास है, अयोध्या नगरी आज पहुंची पूरी मोहन कैबिनेट, कैसी खास तैयारियां देखी जा रही है और अभी क्या ताजा अपडेट इस वक्त? बिल्कुल रीनू, इस वक्त मैं एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ से सीधे तमाम जितने भी मंत्रिमंडल के नेता हैं वो सबसे पहले अराइव करेंगे और बसेस भी रेडी हैं, बसेस भी सजकर तैयार हैं। आप देखिए सिक्योरिटी भी हाई टाइट है और साथ ही मुख्यमंत्री के लिए भी स्पेशल सिक्योरिटीज की जो फ्लीट्स है वो यहाँ पर रेडी है और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य भी किया जा रहा है। उसके लिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जो लड़कियाँ हैं वो मौजूद हैं और सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से जो है ये नृत्य जो है आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर ये तमाम लड़कियाँ आप देखिए जो यहाँ की वेशभूषा है, पहनना, ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें आप देखेंगी जो ये पहनकर यहाँ पर डांस करती हुई दिखा रही थी। सबसे पहले मैं इनसे बात करूँगी और आप ये जानिए कि ये कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। आप लोग को कितना अच्छा लग रहा है कि आज आप इतने बड़े नेताओं का स्वागत करेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को और हम लोग अक्सर जो यहाँ पे नेता आते रहते हैं उनके स्वागत के लिए आते रहते हैं करने के लिए। अच्छा, इससे पहले आपने कब किया था? इसके पहले हम लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था और अभी ये दूसरी बार हम लोग जो है यहाँ मध्य प्रदेश के फूल। तो इससे पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आप कह लीजिए गोवा के भी जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे तो इसी तरह लोक नृत्य देकर उनका स्वागत किया गया था। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े नेताओं का स्वागत आज आप करेंगी, 30 से ज्यादा मध्य प्रदेश के नेता आएंगे। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा कुछ डांस करके दिखा दीजिए कि कैसे आप करती हैं पूरा स्वागत के लिए, कैसे आप लोग थाली लेकर, अगर थाली भी दिखा दे। रीनू, मैं आपको ये थाली भी दिखाना चाहूंगी, ये स्पेशल थाली है जिसमें आप देखेंगे कि गेंदे का फूल, हालांकि हम अयोध्या नगरी में हैं और पीला रंग आपको हर जगह नजर आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा पसंदीदा रंग श्री राम का पीताम्बरी रंग, हालांकि इसी गुला देखिए आप देख सकती हैं कि गेंदे के फूल से जो है स्वागत किया जाएगा और टीका भी लगाया जाएगा। तो थोड़ा कुछ हो जाए आज, कैसे आज आप स्वागत करेंगी नेताओं का? हाँ, वर्षा करते
करते हैं, चंदन लगाते हैं, उनको पुष्प वर्षा करते हैं उनके स्वागत के लिए। बाकी हम लोग थाली को रख के फिर हम लोग बधावा लोक नृत्य करते हैं, वो होता है हम लोगों का, और उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, तो पहले देखिए अब बारी है नृत्य की, सांस्कृतिक नृत्य कैसे किया जाएगा वो भी करके दिखाएंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ और भी कलाकार हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी और आपको दिखाती हूँ। आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ के नृत्य को क्या बोलते हैं? हरवाही लोक नृत्य। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के नेता आ रहे हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है? जी जी बहुत। आज आप लोग उनका स्वागत करेंगे, बड़े बड़े नेताओं का? जी मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मुख्यमंत्री आ रहे तो हम लोग को स्वागत करना अच्छा है। तो कुछ करके दिखाइए। तो ये देखिए रीनू, ये यहाँ का सांस्कृतिक नृत्य है और काफी डिफिकल्ट भी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो कलाकार है वो मेहनत करते हैं इस चीज को प्रिपेयर करने में, और क्योंकि यूपी तो मेहमान नवाजी में नंबर वन होता ही है, और तरह तरह के आइडियाज, और आप एक डिफरेंट मेहमान नवाजी यूपी में ही देखेंगी। तो ये देखिए आप, यहाँ पर तमाम ही जो लड़कियाँ हैं सुबह से ही इन्होंने प्रैक्टिस की है, और अब जाकर ये यहाँ पर डांस कर रही है और दिखा भी रही है कि कैसे लोक नृत्य जो है किया जाता है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि बहुत कम वक्त बचा है जब यहाँ पर अब आने ही वाले हैं नेता, लेकिन इसका आयोजन जिसने किया है मैं उनसे भी बात करूंगी। आप आइए, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से पूरा किया जा रहा है, कैसे पूरा आपने आयोजन किया? हमारे यहाँ एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई महानुभाव आता है तो उनके स्वागत के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले दे दी जाती है कि उनका सम्मान कराया जाना है। तो जितने भी अतिथि आते हैं हम चाहते हैं उनका सम्मान अच्छा ही हो, और हमारे विभाग में जैसे प्रमुख सचिव साहब हैं उनके निर्देश भी हैं और उनका ही आदेश है। अच्छा, इस नृत्य के बारे में कुछ बताइए। ये एक्चुअली बधावा लोग करते हैं, यहाँ पे जब भी कोई लोग आते हैं, जब भी जितने भी महानुभाव आते हैं उनके बधाई देने के लिए ये नृत्य होता है। ये अक्सर क्या होता है, ये महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, और ये परवाही लोग नृत्य ये हमेशा डंडे और लाठी के साथ किया जाता है, और ये ऑलमोस्ट लड़कों के द्वारा ही किया जाता है। जितने भी कलाकार हैं ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं हमारे डिपार्टमेंट से, और हमारी कल्चर की जो मतलब वेबसाइट है कल्चर डायरेक्टरी, उसी से सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। तो बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जितने भी नृत्य होते हैं वो यहाँ के कल्चर को दर्शाते हैं, और बधाई नृत्य इसे कहा जाता है। वो देखिए आप, वो कुछ ज्यादा ही रिस्की, लेकिन बावजूद इसके जो कलाकार हैं वो सुबह से ही आज मध्य प्रदेश के नेताओं को स्पेशल फील कराने के लिए ये पूरी तैयारी इन्होंने की है। और देखिए एक अलग करतब आप देखेंगे यहाँ पर, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यूपी में सब कुछ पॉसिबल है। हालांकि अयोध्या में राम नगरी में भगवान राम की नगरी है, और स्वागत भव्य कैसे नहीं होगा। देखिए काफी खूबसूरती से यहाँ पर जो कलाकार हैं वो सारे परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं, अपने आप में ये बहुत दिलचस्प हो जाता है, लेकिन ये पूरी मेहनत ही है। जब आज मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री यहाँ पर आएंगे तो वो यूपी को जानेंगे, यूपी को देखेंगे और रामलला के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। रीनू जी बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि बधावा नृत्य के माध्यम से स्वागत की तैयारी की जा रही है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी संस्कृति को दर्शाती हुई जो तस्वीर आपने दिखाई अंशिका, वाकई में बहुत ही सुंदर ये पूरा नजारा। तो और हमारे साथ निमेश भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। निमेश, आप कहाँ पर मौजूद हैं, कैसी खास तैयारियां, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो हम देख पा रहे हैं स्वागत के लिए ऐसा लग रहा है पूरा दल बल तैयार है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट के स्वागत के लिए फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उनको अब से कुछ ही देर में पूरी कैबिनेट अयोध्या पहुंचेगा। जिस जगह मौजूद है ये वीआईपी गेट है, इसे गेट नंबर 11 कहते हैं, यहीं से पूरी मध्य प्रदेश की कैबिनेट अंदर जाएगी, जिसमें 65 मंत्री और उनके परिवार के लोग हैं, और इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी रहेंगे। तो इसके स्वागत को लेकर राम जन्मभूमि परिसर में विशेष तैयारी की गई है, भगवान रामलला के परिसर में उनको सभी लोगों को जो आएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, अंगवस्त्र भेंट किया जाएगा, इसके साथ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी उनको भगवान रामलला की आरती में शामिल भी कराएंगे, और उनसे वहां पर मंदिर निर्माण के निमित्त चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी भी देंगे। लगभग 2 घंटे राम जन्मभूमि परिसर में रहने का कार्यक्रम है। सीधे एयरपोर्ट उतरने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए वो चूड़ामणि चौराहा, उसके बाद फिर राम जन्मभूमि गेट नंबर 11 से अंदर जाएंगे और फिर यहीं से बाहर जाएंगे, क्योंकि इस समय अयोध्या में प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा राम भक्त आ रहे हैं, और ऐसे में राम भक्तों को कम से कम असुविधा हो रही है, इसके लिए एक अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जो एयरपोर्ट पर उतरने के साथ सभी मेहमानों को बसों पर सवार कराया जाएगा, वहां से बस के माध्यम से पूरी मोहन भागवत की, मोहन यादव की कैबिनेट अयोध्या आएगी और यहां पर वो दर्शन पूजन करेगी, और इसके बाद फिर वापस ये एयरपोर्ट के लिए जाएंगे जहां से भोपाल के लिए रवाना होंगे। उनके आने को लेकर जो तैयारियां हैं
वो जी बिल्कुल एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे अंशिका का। अंशिका जी, ताजा अपडेट, क्या तस्वीरें आपके पास? तो अंशिका, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं तो दिखाएं क्या तस्वीरें ताजा इस वक्त देखी जा रही वहां पर। तो अपनी पारंपरिक कला की छटा बिखेरते हुए आप ये नृत्य देख पा रहे हैं, बधावा नृत्य इसे कहते हैं। और जो आप देख पा रहे हैं कि जो पुरुष वर्ग है वो अलग अलग तरीके से करतब दिखा रहे हैं, खेड़ी चढ़ते हुए नजर आते हैं। अमूमन आज के दौर में कम ही देखने को मिलता है। तो अलग अलग संस्कृति अपने राज्य की होती है, और जब आप अयोध्या धाम पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की लोक संस्कृति को देखने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपको अपने आस पास हर जगह वो पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि तैयारी बहुत ही खास है और पूरे दल बल के साथ तैयार हैं तमाम मंत्री और नेता, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अंशिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। अंशिका, लग रहा है कि थोड़ा और टाइम हो सकता है कि हो, अंशिका से हम फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अंशिका, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कितना और वक्त लग सकता है वहां पर, क्योंकि जानकारी है कि बहुत ही जल्द अयोध्या धाम पहुंचने वाली पूरी मोहन का दिन। जानकारी मिली कि अभी आ चुके हैं यहाँ पर मंत्री आ चुके हैं और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे जो अराइवल है यहीं से मंत्री अब आपको नजर आएंगे रीनू। और नृत्य भी यहाँ पर भी किया जा रहा है, सांस्कृतिक नृत्य, उनके स्वागत के लिए। आप शोर से समझ जाएंगी कि शोर बहुत ज्यादा हो रही है। फ्लाइट जो अभी आपने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी उसी में मंत्री बिल्कुल 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 अंशिका आपको रोकना चाहेंगे इस दौरान। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कुछ, कहा वो भी सुनते हैं। हम सबकी इच्छा लिखे, हम सबके विधेयक वहाँ जाए तो आज की कैबिनेट हमने भगवान समर्पित करते हुए अपना अनिवार्य शर्मा जी आज हमसे विदा करने के लिए आए हैं और हम सब मिलकर के आज भोपाल से सीधे अयोध्या के लिए कुछ करते हैं। तो सुना आपने, पूरे परिवार के साथ अयोध्या धाम पहुंचे दर्शन करने के लिए। और उस वक्त की तस्वीरें आपको हमने दिखाई और सुनाई हैं जब एयरपोर्ट के लिए बस के माध्यम से रवाना हो रही थी पूरी मोहन कैबिनेट, और उस दौरान उन्होंने बातचीत की। और अब अयोध्या एयरपोर्ट कुछ ही देर में पहुंचने की जो बात सामने आ रही थी वो अब पहुँच चुके हैं और उनके स्वागत में जोरदार ये जो लोक कला की छटा बिखेरती हुई जो बच्चियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। और देखिए किस तरीके से